जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की कृपा हर वक्त हमें चाहिए, लेकिन हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं, और अगर उस कलयुग के अवतारी की कृपा जागृत हो जाए तो घर में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। वैसे तो हनुमान जी का नाम ही काफी, क्योंकि हनुमान जी के नाम से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की कोई बद्दुआ, किसी भी प्रकार की कोई भी अभिशापित कार्य भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, उसी प्रकार से दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से दो हाथ हमारे शरीर में, इसी प्रकार से क्या होता है कि जो तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या के तहत अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार के ऊपर कोई भी क्रिया करता है तो आपको हनुमान जी के पंचमुखी रूप को जागृत करना चाहिए। माना जाता है कि हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है बहुत ही ज्यादा सुपर पावरफुल है, मतलब बहुत ही पावरफुल रूप है। उस रूप का जब हनुमान जी महाराज ने कब वो रूप धारण किया था, ये रावण के जब मारने का समय था तब रावण भयभीत हो गया था। रावण भयभीत हो गया था कि अब जो है कि मैंने सारे छल कपट सब करके देख लिए, राम और लक्ष्मण मरने में नहीं आ रहे। तब उसने अहि रावण का सहारा लिया। अहि रावण जो था वो बहुत ही ज्यादा मायावी था, और मायावी होने के तहत उसने उसकी जो मृत्यु थी एक रहस्यमय थी, जिसे पता नहीं लगता कि इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक में ले गया, और वहां पर उस समय उनकी बलि देने की सोच रहा था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करकर अहि रावण का वध किया था, क्योंकि उसकी मृत्यु जो थी पांच जलते हुए दीपकों में थी। अगर वो पांच दीपक लगातार कोई स्वरूप पांच रूपधारी व्यक्ति ही उस दीपकों को बुझा सकता था, और उसी के माध्यम से उसकी मृत्यु हो सकती। ये एक रहस्यमय थी, लेकिन इस बात का पता हनुमान जी को शुरू में नहीं लगा। जब उन्होंने जाकर वहां पर जिस देवी की वो आराधना करता था, उस देवी के आगे प्रणाम किया, क्योंकि अगर हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता की पूजा होती है और हम किसी भी देवी देवता का हम आदर और भाव करते हैं, अगर कोई व्यक्ति गलत विद्या से करता है, माँ काली की शक्ति से करता है, या भैरवी की शक्ति से करता है, या भैरव की शक्ति से करता है, ओगर की शक्ति से करता है, तो हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, और श्री बालाजी महाराज को याद करना चाहिए। जैसे ही बाबा ने प्रार्थना करी, उसी समय उसकी मृत्यु का रहस्य सामने आ गया, और उसको उसी समय उसके दीपकों को बुझाया गया और अहि रावण को मृत्यु दे दी गई। हनुमान जी ने जब इस रूप में जब मृत्यु दी, अहि रावण जो था वो बहुत ही ज्यादा जो था मायावी था, और मायावी होने के कारण उसने बहुत सारी माया रची, बहुत सारी, थोड़ी बहुत ही माया नहीं रची, बहुत सारी, लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी रूप ने वो सारी माया को नष्ट कर दिया। अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की माया रचता है, तो हनुमान जी का पंचमुखी रूप अगर आपका जागृत है तो आपके परिवार पे किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति वास नहीं करती। अब बात